टीकमगढ़ में सहकारिता के संस्थापक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय दाऊ सरदार सिंह की गुरुवार की सुबह 39वीं पुण्यतिथि प्रतिमा स्थल कुंडेश्वर में मनाई गई। इसके बाद उन्हें श्रद्धांजलि देकर उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद जिले के प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर यादवेंद्र सिंह बुंदेला, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन, पूर्व विधानसभा पृथ्वीपुर कांग्रेस प्रत्याशी नितिन सिंह राठौर, कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष महेश यादव, आयोजन समिति के अध्यक्ष सूर्य प्रकाश मिश्रा के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता और शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। हृदय रोग विशेषज्ञ वहाँ पे आए हुए हैं जो अपने टीकमगढ़ के निवासी हैं और उनके द्वारा कैंप किया जा रहा है। शाम के टाइम हम लोग कभी सम्मेलन करने जा रहे हैं। 3 बजे गाँव में जो है श्रद्धांजलि सभा है, जो कार्यक्रम होते हैं उन्हीं कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम आज दाऊ साहब स्वर्गीय सरदार सिंह जी की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की और निरंतर 39वीं आज उनकी पुण्यतिथि पर ये कार्यक्रम यहाँ पर हुआ। मैं, मेरे पूजनीय पिताजी हमेशा इस कार्यक्रम में उपस्थित होते रहे और अक्सर उनसे मेरे जो दादाजी थे वो और दाऊ साहब का साथ रहा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वो लोग रहे तो हमेशा चर्चाएँ सुनते रहते थे उनके साथ की, और जो बलिदान इन लोगों ने देश के लिए दिया वो चर्चाएं सुनते रहते थे। निश्चित रूप से सादगी भरा जीवन, ये भी एक उनकी क्षमता थी दाऊ साहब की। तो हम सब लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए और हमारी जो पीढ़ी है, निश्चित रूप से जो महापुरुष जिनके बलिदान से आज हम लोग स्वतंत्र भारत में जीवन जी रहे हैं, हम लोग सौभाग्य मानते हैं कि ऐसे लोग हमारे परिवार में थे और जो भी ऐसे लोगों के परिवार के सदस्य थे वो भी सब सौभाग्यवान हैं। तो हम सबका प्रयास होगा कि जो शिक्षा और जिस उद्देश्य से उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाई, हम सब लोग एक साथ मिलजुल कर जीवन में इसका पालन करें और अपने भारत को संपूर्ण रूप से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने में जो भी अहम भूमिका निभा सके वो निभाने का प्रयास करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।